अच्छा जी, की हाल है भाजी? ठीक हो? किस तरह जे किलो? 100 रुपए किलो। ये कौड़ी मिर्च है? चेक करो। अच्छा जी, ते ए दूसरी जड़ी है परा? 140 रुपए। ए दी की ओ चंगी नहीं है? ए बोदी चंगी है देना? केड़ी है बोदी चंगी है? अल्लाह दा नाल होया, सही लगदी जे फिर फ्रेश है। ए की सा 140 रुपए किलो? मेरे घरे ए किन्ना? ओ 140 सब तो चंगी है, ला फ्रेश आई है। बेकरी चले ने पीजे रू जगह? अच्छा अच्छा अच्छा, ये टमाटर किस तरह है? अच्छा, ये किस एरिया से आए हैं, किस जगह से? काबली टमाटर है? तीन चार लाख से टमाटर आ रहे हैं। अच्छा, काबल हो गया। अच्छा, अफगान हो गया। अच्छा अच्छा, कोयटा कोयटा क्या? अच्छा, सिंध भी आ रहा है। सिंध से भी शुरू नहीं हो? सिंध अभी शुरू नहीं है। सिंध कराची वाला ये मिर्चे भी चेक करो भाई, हाल नहीं ये मिर्चे लेके जाने ये फिर भाई मां बदवाली ना अभी ये मिर्ची बना ले। ये मिर्चे ताएगी हैं? ताएगी है। ताया जी कितने, क्या रेट है? 130 रुपए किलो। अच्छा जी, चाचा जी क्या हाल है? चाचा जी ये कद्दू किधर से लेके आए, अपनी पहली से? शेखपुरा माला वाला। अच्छा जी, क्या किलो है? 120 रुपए किलो। तो ये भाई के कद्दू बहुत बड़े हैं। ये भी इतना देने, ये भी इतना देने, लेकिन वो दे भी चोकड़े देने वाले कद्दू हैं। नहीं नहीं, ये लकी हुई, ये नॉर्मल ब्रांड है और ये अच्छे वाले। हाँ हाँ, अच्छे वाले। ये छोटे वाले जो है ना नए हैं और ये सही है। ये पक्का हुआ कद्दू है, ये लोग पाऊ पाऊ में मलते हैं, फिर इतने बड़े कद्दू हैं। होटल वाले ले जाते हैं ऐसे सब्जी बन जाती है, इन्हें लोग खाते हैं ना बुढ़िया। अच्छा अच्छा, ये ओहो जी जनाब, फेसबुक पे चढ़ गुना नट देते किस तरह नहीं, ये भी भेज रहा है, ये पानी वाला अच्छा है भाई, अच्छी है। ये क्या किलो? ये टिंडे का, टिंडे 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 उस तरह नहीं आए इस दफा, जो बड़े अच्छे किस्म के नस्ल के पक्के हुए डंडे टिंडे, ये देखो पक्के हुए, ये प्यारे हैं। नहीं ये प्यारे नहीं है, ये पक्के हुए पक्के, वही मैं कह रहा हूं, ये टिंडे सही वाले नहीं आए। वो क्या चीज नहीं है जो मतलब पानी चाहिए? हाँ, पिछली दफा जो आए थे। आजकल वैसे भी ना यहाँ पाकिस्तान में चीजें आती नहीं है उस किस्म की, बाहर चले जाती हैं जो ब्रांड की होती हैं, और जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, जो ब्रांड की चीजें होती हैं वो बाहर चले जाती हैं। हम लोगों को यही चीजें खाने के लिए मिलती हैं। वो जैसे कि आम चला गया? आम चला गया, ऐसी बात है। अरबी क्या किलो? जितनी स्टोर की चीजें हैं पाकिस्तान में मुहैया है, और जितनी दूसरी किस्म की फ्रेश चीजें हैं, फ्रेश चीजें बाहर चले जाती हैं। क्या किलो? 100 रुपए किलो। अच्छा, ये भाई खो रहे हैं, ये किस इलाके से आ रही है अरबी? कसूर से। अच्छा अच्छा जी भाई, आप बुला रहे थे? हमने भी टमाटर लगाए। माशाल्लाह, आपके तो टमाटर सबसे बड़े साइज के हैं, चुने चुन के लगाए। क्या रेट है इसका भाई? 80 रुपए किलो प्राइस है। अच्छा, 80 रुपए किलो है? ये मुझे सबसे सही टमाटर लग रहे हैं, बड़े साइज के। ठीक हो गया, ये गोभी सब्जी तो थोड़ी ऐसी, करेले हैं देसी करेले लग रहे हैं। किस तरह किलो चाचा जी? 120 रुपये। ठीक, ये जी सारे मसाला जात इधर हैं। अदरक किस तरह किलो? अदरक किस तरह? 280 रुपये किलो। और थोम? अच्छा अच्छा, ये देखें जी, ये सारे मसाला जाते हैं। ये भाई भी हैं हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, ये पढ़ते भी हैं जनाब, मैं ऐसे साथ
क्या कर रहे हैं भाई? लास्ट टाइम आपने बताया था बुकें भी पढ़ते हैं साथ, बड़े मेहनती भाई हैं। इधर तो मुँह कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? अभी बीए कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं, ओपन से मैं कर रहे हैं यहाँ। लेकिन बड़े मेहनती हैं, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। देखें जी इनकी ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेडी रखी हुई है माशाल्लाह से। ये असल हमारे लिए, ये हमारे लिए लोग ऐसे हैं जो हमें एक इंस्पायरेशन है हमारे बच्चों के लिए कि काम भी करना, मेहनत भी करनी है। तो ये क्या किलो है नींबू? नींबू 200 रुपये किलो माशाल्लाह। नींबू का रस है सही, काट के दिखाने वाला सीन नहीं है। ये लें जी, ये देखें जी नींबू काट के दिखा रहे हैं। ये देखें जी कितना है। ये फिर नींबू अच्छे हैं जी। ये भाई हमें 2 किलो नींबू कर दें। ये जी हम 2 किलो नींबू ले रहे हैं, हमारी पसंदीदा। ये भाई देखें कितने अच्छे नींबू डाल के दे रहे हैं। तो भाई ये फाइनल है, डिस्काउंट तो नहीं है कोई? ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और टमाटर क्या रेट है? 100 रुपये। पीछे तो यार सस्ते मिल रहे हैं, वो 80 रुपये किलो भेज रहे हैं। सामने इतने बड़े टमाटर, वो देखो अच्छा। अंदरूनी मामला तो हो रहे हैं उनका, उनका अंदरूनी मामला डिफरेंट है। और मरच अच्छा अच्छा ये भी महंगी है। उधर पीछे 140 दे रहे हैं। हाँ वो ये पीछे लड़ बंदे के पास ऐसी है जी। ये शापर को हमने एक दफ़ा दोबारा से कर लिया ताकि स्ट्रांग हो जाए। तो अभी ये भाई ने 400 रुपये के दिए हैं ये नींबू, ठीक है 200 रुपये किलो के हिसाब से। ये जी ठीक है जी, मेहरबानी जी। अच्छा जी ओ यह की चाचा जी, है कि चक यह की शाय वही हालत ही हार गई। तो यह पुदीना किस तरह जी? ये 50 रुपये की 4 हैं जी, 50 रुपये की 4 हैं ये। ये है गोभी किस तरह चाचा जी? आप साहब गोभी किस तरह? गोभी किस तरह? 200 रुपये। है बड़ी महंगी जा रही है इतनी, मौसम दी नहीं। आहो आहो इधर आ, आ जा आ जाओ जी। नहीं नहीं यूट्यूब चैनल पे किस तरह किलो नहीं खोल के अच्छा की कह रहे हो भाई? मैं कह दी जरूर बनानी है इमरान खान ने, जुटियां मारनी है इमरान। अल्लाह करम करे, अल्लाह बेहतर करे, मेहरबानी जी। अल्लाह ले गोभी तो नहीं खाते। अच्छा अच्छा जी हाँ जी चाचा जी की हाल है? किस तरह किलो जे? 5 किलो किस तरह धड़ी आलू? 50 रुपये किलो ने। ऐ मिठे ने? मिठे ने है ना, फीके नहीं ने। तो ऐ वाले हैं? ऐ फीके ने, ऐ मिठे नहीं ने। 300 रुपये धड़ी। प्याज कोई पीला ही पै गया पर किस तरह जो प्याज पिछला वो पिछे जहाँ प्याज पिया वो किस तरह किलो जे? 500 रुपये। भाई ने प्याज टमाटर किस तरह भाई लेने? 100 रुपये। कितने 100 ने कितने 80 ने, कोई क्रेट नहीं है सामने। क्या हाल भाई? भाई टमाटर किस तरह? अच्छा यह की वजह कि किसी जगह 80 लाए देने किसी 90 लाए? और जो बड़े बड़े लोग रखे ने अच्छा वो भैड़े ने चंगे वाले अच्छा अच्छा इन्हें अंदर सही सिस्टम अच्छा अच्छा लो जी। प्याज किस तरह? 5 किलो अंकल 500 का 5 किलो। आलू
ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ 250 ਦਾ 5 ਕਿਲੋ अच्छा ये धनिया ये फलियाँ ये चाइना गाजर है ये फलियाँ फलियाँ किस अंकल चलो फिर चक्कर ला लेंगे ये प्याज आलू ये सारी पट्टी ऐसे है ये सारी सब्जी की पट्टी है तो इसमें आप सब्जी थोम अदरक ये चीज़ें सारी इसमें अवेलेबल हैं तो रेट्स भी अच्छे हैं ये मटर तक भी हैं उधर अभी मटर का रेट पूछते हैं भाई मटर किस तरह है किलो 400 रुपये किलो बड़े ज़्यादा यार रेट है मटर का आलू किस तरह तड़ी ये जी आलू हैं ये प्याज हैं तो ये प्याज के रेट अभी तक भी नीचे नहीं आए काफ़ी ज़्यादा महंगे गए हैं तो ये अदरक किस तरह भाई 280 रुपये ठीक ठीक ये देखें माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम ये कुछ दिन पहले बड़े बड़े लंबे खीरे आ गए थे वो किधर गए हैं वो किधर से आए हैं वो ऐसे लगता है जैसे दुबई से खीरे आए हैं वो किधर से आए हैं लेकिन थे ना बहुत बहुत बड़े खीरे थे जैसे दुबई के टाइप के तो अभी क्या ये किलो है 80 रुपये 100 रुपये फिर महंगे हो गए ये ये बीच में सस्ते हुए थे इसका मतलब ये टींडे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं आपके ये टींडे अच्छे हैं 140 आपका अड्डा जो बड़ा साफ सुथरा है माशाल्लाह बड़े लोगों का देख के आए पीछे से आपका जो ना ये देखें जी ये टींडे हैं जी ये भिंडी है ये अंकल ने काफ़ी सफाई का अपना निज़ाम रखा हुआ है माशाल्लाह से टींडे किस रंग अंकल 140 रुपये किलो ऐसा करें किलो दे दें ज़रा छोटे ही डालिएगा ठीक है ये जी हमने किलो टींडे खरीद लिए जी जी ये हम टींडे उन्होंने कहा जी खुद डाल लें तो हम इसको टींडे डाल लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अभी तो लगता है ये फसल उतरी है गर्म है 100 रुपये किलो करने हैं ये वाइट वाला निकाल लीजिए ऊपर ये वाइट वाला बाहर ये किलो ले लिए अभी ये 80 रुपये किलो है ये 2 किलो जी खीरे डाल दें फड़े ये जी खीरे हमने ले लिए 80 रुपये किलो मिले ज़्यादा हो गए जी सर बड़ा वजन से जी 100 रुपये किलो 5 पैसे दो किलो दे देने 200 किन्ने हो गए अंकल पैसे 340 रुपये दे दो छापर डबल कर दियो हाँ जी हाँ जी कर दो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी सब्ज़ी है रखी हुई इन्होंने हर चीज़ साफ़ सुथरे तरीके से और उसको अरेंज करके रखा हुआ है ऐसे नहीं है कि ऐसे मिक्स कर दिया तो ये भी एक अच्छे शऊर की निशानी है जी जी हमने ये अब ये खरीद ली चीज़ें अभी हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं देखें जी कच्चे आम भी हैं अभी स्टिल अभी बिक रहे हैं
ये है जी नहीं इसको क्या कहते हैं की चीज है अच्छा ये मुरंगा सुहांजना सुहांजने का है ये सुहांजने की मूली है ये बड़ी बड़ी अंकल बड़ी है वैसे छोटी होती है ये बड़ी बड़ी भी हो जाती है जमीन में ताकत हो जाती अच्छा अच्छा तो ये क्या है किलो है कच्चा आम ये चार वाला अच्छा अच्छा ये चार वाला आम है जी नींबू देसी है आपके पास ये पेठा है पेठा किस तरह जी हमने ये 5 किलो आलू लिए इन भाई से 200 रुपये के 5 किलो ठीक है 200 रुपये तड़ी ये कहते हैं तो ये 200 रुपये 5 किलो है ठीक है ये भाई चैनल का नाम पूछ रहे हैं हाँ जी कुक टू ईट ठीक है तो ये मंडी है सारी अंदर से ये सब्जी वाली साइड है और वो दूसरी साइड से हम आपको अभी दिखाते हैं वो साइड है आरतली बैठे हैं उस साइड पे बोरियां चाहिए हों उस साइड पे मिलती हैं इस साइड से भी मिलती हैं बोरियां ये भी सारे आरती हैं पीछे ये सारा और बाकी ये परचून में ऐसे बेचते हैं अच्छा जी ये हमने इन भाई से आलू लिए हैं 200 के 5 किलो ये अंकल एक लगे हुए हैं बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत कश हैं तो अंकल आपकी उम्र कितनी है तकरीबन 51-52 साल 51-52 साल तो ये आप ये कर क्या रहे हैं बेसिकली कितने शादी की अच्छा अच्छा तो अंकल ये आप प्याज को छांटी कर रहे हैं ये सफाई कर करके निकाल रहे हैं तो ये क्या उम्र है आपकी 52 साल लेकिन आप 52 के लगते नहीं आप तो 70 के लगते हैं 52 साल उम्र आपकी ज्यादा है अच्छा अच्छा शादियाँ तीन कर ली हैं जी ये मंडी का इस्तेमाल हो चुका है सब्जी वाली साइड से तो हम अब इसको ये एंड है देखें सामने वादी शुरू हो गई है ठीक है तो ये भैंसें किस माहौल में नहा रही है ठीक है तो कुछ सफाई का निज़ाम नहीं है लेकिन हमारे घरों में सफाई लोगों ने रखी हुई है लेकिन इस तरफ सफाई को हाथ सच निज़ाम नहीं है ऐसा ही है थोड़ा सा माहौल चलें कोई नहीं अल्लाह बेहतर करे हमारे लिए तो ये सारे होटल हैं ठीक है आगे बाढ़ क्योंकि अड्डे शुरू हो जाने दोबारा से तो ये है मंडी सारी ना ये आरती इधर रुक वो हमें प्याज अच्छे लगे हैं प्याज हमें थोड़े से प्याज अच्छे लगे हैं इस तरफ अस्सलाम वालेकुम भाई प्याज किस तरह है भाई प्याज किस तरह है हाँ 450 इससे बड़े भी हैं भाई प्याज इससे बड़े भी हैं प्याज आपके पास अच्छा जी ये नाजरीन ये प्याज मुझे कुछ 6 लगे हैं उधर तो इस तरह के मिले नहीं तो ऐसा करते हैं हम ये 5 किलो प्याज ले लेते हैं भाई ये 5 किलो प्याज कर दें भाई ये इसकी प्राइस क्यों ज़्यादा है प्याजों की इसकी बता सकते हैं वजह क्या है यार शॉर्ट हो रहा है आजकल प्याज आ रहे ये तो बड़ी इससे पहले ऐसे मामला चल रहे थे 450-450 रुपये तड़ी प्याज खत्म हो गया अच्छा महंगा होना है अच्छा जी तो ये देखें दरमियाने से साइज़ किया कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो ये सूखा प्याज है भाई हाँ जी अच्छा ये प्याज है प्याज अच्छा है माशाल्लाह से ये ऐसा करें आप 10 किलो कर दें अच्छा ठीक है जी ये हमने जी 10 किलो प्याज ले लिया ये 5 किलो एक दफ़ा फिर करेंगे तो शापड़ को 2 दफ़ा कर दीजिएगा दूर जाना है तो जब भी आप दूर जाएँ सबसे बेहतर है कि वो थैला जैसे हम वो थैला मोटरसाइकिल पर लटका ना वो ले कर जाएँ दो तो हम आज एक ही लाए हैं तो वो ऑलरेडी भर चुका है तो ये देखें अच्छा जी 1-5 किलो ये प्याज हो चुके हैं एक ही है तो ये देखें वो ऑलरेडी प्याज का काफ़ी ज़्यादा काम करें ये बेसिकली आड़तली हैं इधर सारे ना ये डीलर हैं बहुत बड़े माशाल्लाह से तो ये आगे से दुकानों वाले इधर से लेके जाते हैं यही है ना भाई ऐसे ही है बोरियों के हिसाब से डील करते हैं ये तो ये सारे तो ये अदरक बाहर से मिलेगी इधर से तो नहीं मिलेगी
जी जी चलिए हमने प्याज ले लिए, अभी हम जा रहे हैं इसको जी ये हम अदरक ले रहे हैं, टमाटर लिए हमने 3 किलो जी, ये अदरक थोम ये सारी चीज़ें इधर बेची जा रही हैं भाई। ये अदरक किस तरह किलो है? 200 रुपये तरी ज़्यादा हो गया ना, कहना पे खाना तू बस हो गया जी। चलो ये जी हो गए, ये अदरक है थोम है ये सारे बेच रहे हैं हमने। इन भाई से रेहड़ी पे जा रहे थे तो इनसे ये टमाटर लिए हैं 3 किलो। फहद छापड़ हाँ, ये जी इन लोगों ने ये टमाटर लगाए थे भाई ने, हमने इनसे लिए हैं तो अच्छे टमाटर हैं, 100 रुपये किलो इन्होंने दिए हैं जी। नाजरीन अब हम ये देखे मंडी का एग्जिट है बड़ा गेट है आपका, तो ये हम मंडी सियालकोट सब्जी मंडी जो नई बनी हुई है उससे बाहर जा रहे हैं उधर जी, ये मेन रोड पे आ गए हैं। अब ये हम सिटी की तरफ रवाना हैं और ये बाहर का व्यू देखते हैं, मंडी का बाहर का व्यू जा रहे हैं तो ये हम जा रहे हैं। तो रोड तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बना दिया रोड,